दोस्तों, एलियंस के होने या न होने पर बहुत समय से बहस चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वे होते हैं, कुछ लोग इस बात से इनकार कर देते हैं। आपका क्या मानना है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जो आपको चौंका देंगी। ट्रेविस वॉल्टन। दिन था 5 नवंबर 1975 बुधवार। अपाचे सिटग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट अमेरिका में ट्रेविस वॉल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ जंगल में काम कर रहे थे। जंगल के पेड़ पौधों की देखभाल करना उन 7 लोगों का काम था। बाकी दिनों की तरह उस दिन भी वो 7 लोग जंगल से अपना पूरा काम करके घर जा रहे थे। तभी उन लोगों ने एक बहुत ही चमकती हुई गोलाकार की लाइट देखी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने देखा कि कोई गोले के आकार की चीज करीब 20 फुट ऊपर घूम रही है। सभी लोग उस चीज को देखकर चौंक गए। तभी ट्रेविस ने उसे पास से देखने की इच्छा जताई। उनके दोस्त उसे मना कर रहे थे, लेकिन ट्रेविस नहीं माने। वे गाड़ी से उतर गए और उस गोल आकार की चीज को देखने लगे। तभी अचानक से एक तीव्र गति से लाइट आ गई जो सीधे ट्रेविस के ऊपर पड़ रही थी। ये वाकया देख उनके सभी दोस्त वहां से भाग निकले। फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन लोगों को ट्रेविस की जान बचानी चाहिए, इसलिए वो सभी 6 लोग वापस उसी जगह पर आए, लेकिन ट्रेविस उन्हें वहां नहीं मिला। बहुत ढूंढने पर उस हादसे के 5 दिन बाद ट्रेविस उसी जंगल में बेहोश पड़ा हुआ मिला। बाद में ट्रेविस को जब होश आया तो उन्होंने कहा कि वो एक अजीब सी जगह पर थे और उनके शरीर के साथ कुछ किया जा रहा था। दोस्तों, इन सभी लोगों की बात को जांचने के लिए हम लोगों का लाइव डिटेक्शन टेस्ट के लिए ले गए। पता चला कि सभी लोग सच बोल रहे हैं। और दोस्तों, एक अजीब बात भी पता चली। जिस जगह यह हादसा हुआ उस जगह के पेड़ 36 गुना ज्यादा वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब जो पेड़ पहले 1 टन वुड फाइबर बना रहे थे, अब वो 36 टन वुड फाइबर बना रहे थे। और शायद ये UFO की लाइट के प्रभाव से हो रहा था। इसी घटना के पीछे एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था फायर इन द स्काई, जो 1993 में रिलीज हुई। चार्ल्स एल मूडी। दोस्तों, चार्ल्स मिडनाइट शावर देख रहे थे। कुछ लोगों को रात में तारों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। चार्ल्स भी उनमें से एक थे। वो जंगल में करीब 1 बजे जब तारों को देख रहे थे तो उन्हें एक गोल चीज अपनी ओर आती हुई दिखी। वो चीज तेजी से घूम रही थी और धीरे धीरे चार्ल्स की ओर आ रही थी। चार्ल्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो अपनी कार के अंदर बैठ गए। कार स्टार्ट करने लगे, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तभी चार्ल्स ने भागने की सोची और वो कार से निकलकर भागने लगे, लेकिन UFO चार्ल्स का पीछा कर रहा था। उस UFO से निकलने वाली लाइट इतनी तेज थी कि चार्ल्स बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा 3 बज चुके हैं। चार्ल्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको तो लगा था कि ये सब 5 मिनट में हुआ है, तो 2 घंटे कैसे निकल गए। फिर वो अपने घर चले गए। घर पहुंचने के कुछ दिन बाद उन्होंने देखा उनके शरीर में जगह जगह पर निशान है। जब उन्होंने इन निशानों को डॉक्टर को दिखाया तब डॉक्टर ने पूरा मामला जानने के लिए उनको हिप्नोटाइज करा, और जो सच सामने आया उसे जानकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर के मुताबिक चार्ल्स को एलियंस ने अगवा कर लिया था और उन पर काफी सारे टेस्ट किए थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि हम इंसानों के अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे काम करता है। रॉबर्ट टेलर। दोस्तों, रॉबर्ट एक फॉरेस्टर थे, मतलब वो जंगल की देखरेख किया करते थे। जब 9 नवंबर 1979 में वो रोज की तरह जंगल का चक्कर काटने लगे तब उन्होंने देखा कि एक जगह से पेड़ गायब है। जब उनके पास जाकर देखा तो उन्होंने देखा, उसे देखकर वो चौंक गए। उनके सामने एक UFO था जिसमें 2 गोल सी चीज निकली और वो चीजें धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उस चीज ने उन्हें पकड़ लिया और फिर रॉबर्ट को कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा उनको पिछला कुछ याद नहीं है। जब वो घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने उनके शरीर में अजीब से निशान देखे। उसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि जहां उनके साथ ये हादसा हुआ था उस जगह कई सारी अजीब से पैरों के निशान थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अनोखी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।